हेलो लिसनर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स एक्सेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 2x। अब यहाँ पे भी हमें सेलेक्ट करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकेंड कौन सा है। तो हम देखेंगे कि हमारे आइलेट रूल में पहले a आता है, इसका मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन, ये जो हमारा x है वो फर्स्ट फंक्शन है और ये जो हमारा साइन x है वो हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। हमारा फर्स्ट फंक्शन x है तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। सो d बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, अब इस होल का इंटीग्रेशन। तो अब ये यहां से हो गया हमारा x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos 2x। अब इसके अब ये एग्जैक्टली x नहीं है, ये 2x है, एग्जैक्टली x नहीं है, इसलिए हम इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे। सो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, तो हमने इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दिया माइनस 1 इंटू ये जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x ही होगा। सो मैं ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो यहां से लेके मैं डायरेक्टली उसको माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख देती हूं 2 dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहां से हमारी वैल्यू हो गई माइनस x cos 2x अपॉन में 2, ये माइनस माइनस बाहर आके प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, और ये हाफ को भी मैं बाहर लिख लेती हूं। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x हमारा होता है साइन 2x, अगेन ये 2x हमारा एग्जैक्टली x नहीं है इसलिए डिवाइड बाय इट्स डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2। सो ये 2 आप 4 करके नेक्स्ट स्टेप में एक और लिख सकते हैं, अदरवाइज दिस इज अ सॉल्यूशन। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब मैंने आपको इस वीडियो की चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास log x का इंटीग्रेशन नहीं है, तो वो हमें यहां से निकालना पड़ेगा। हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ log x है लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ log x हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो वो हम देखेंगे कि हम इस फॉर्मूले से कैसे वो डिराइव कर सकते हैं। तो अब हम देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ log x को मैं 1 इंटू log x लिख सकती हूं। अब हम यहां पे देखेंगे कि हमें किसे फर्स्ट और किसे सेकेंड लेना है। तो यहां पे जब भी हम इनको 1 के साथ लेके करें तो हमें फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो हम सिंगल फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे 1 इंटू लेके, ये बेसिकली यूजफुल है हमारे लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। ये जो मेथड है हम इनके लिए यूज करते हैं। तो अब हम देखें तो यहां पे हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा log x है इंटू डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, मतलब dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो log x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका होल इंटीग्रेशन। तो यहां पे ये हो जाएगा log x। अब ये जो इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन का इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल होके हमें सिर्फ x मिलेगा, माइनस यहां पे अगर मैं देखे 1 अपॉन x इंटू ये जो इंटीग्रेशन है यहां से सेम हमें ये भी x मिलेगा dx। अब ये हो गया x log x माइनस x से x कैंसिल होके यहां 1 बचा, तो मतलब अब 1 इंटू dx, मतलब ये हमारा बचा इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये इंटीग्रेशन से इस डिफरेंशिएशन का इफेक्ट कैंसिल होके हमें सिर्फ x मिला प्लस c, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x tan x प्लस secant स्क्वायर x dx। तो इसको पहले हम ओपन कर लेंगे, e की पावर x tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x secant square x
dx। तो अब दोनों इंटीग्रल्स को हमें इंडिविजुअल बाय पार्ट रूल यूज करके सॉल्व करना है। तो अब आइलेट रूल के हिसाब से हम देखें तो हमारा जो ये है t है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो हमारा सेकेंड फंक्शन है। सेम यहाँ पे भी ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तो पहले मैं इसको इलाबरेट कर लेती हूँ। तो इसको ओपन करेंगे हम तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x। tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, वो e की पावर x dx ही होता है, प्लस अब ये टर्म लिख लेंगे e की पावर x सेकेंड स्क्वायर x dx। अब ये और ये टर्म सेम है विथ ऑपोजिट साइंस, तो ये और ये कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आया tan x इंटू e की पावर x प्लस c। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, e की पावर x इंटू वन अपॉन x माइनस वन अपॉन x स्क्वायर dx। तो इसको हम करेंगे तो इसको भी अगेन हमें ओपन कर लेना है, e की पावर x इंटू वन अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो अब हम यहाँ पे भी अपना बायपार्ट रूल यूज करेंगे, तो उसमें हमारा जो एल्जेब्राइक फंक्शन है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सेकेंड फंक्शन होगा। तो कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन। तो यहां जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वन अपॉन एक्स को, तो हम उसको कैसे x की पावर माइनस वन लेके जो हमारे इसका डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे, तो वो होता है माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन टू, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम यहां पे इसे लिखेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स होता है डीएक्स, माइनस ये जो हमारा सेकेंड टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ये जो माइनस साइन है ये जब बाहर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तब ये देखो ये और ये टर्म सेम है विथ ऑपोजिट साइन, तो ये और ये कैंसिल होके हमारा आ गया ई की पावर एक्स अपॉन में एक्स प्लस सी। इसके साथ ही हमारा बायपार्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी और उसके साथ हमारा इंडेफिनाइट कंप्लीट हो जाएगा।